हेलो, एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट्स, हम ले रहे हैं कार्बन 13 एनएमआर और उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल शिफ्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ केमिकल शिफ्ट। जैसा कि हमने जो प्रीवियस क्लासेस ली उसमें डिटेल में केमिकल शिफ्ट की स्टडी की थी और हमने ये देखा था कि जो केमिकल शिफ्ट के ऊपर दो फैक्टर्स ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। उसके अंदर फर्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन और दूसरा था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ये हम डिटेल स्टडी इसकी कर चुके थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइब्रिडाइजेशन का केमिकल शिफ्ट के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन ले रहे हैं तो उसके अंदर हम एक ये टेबल लेते हैं तो इसमें उसको कोरिलेट करते हैं कि किस तरीके से ये है। एक सिंपल कोरिलेशन टेबल ऑफ कार्बन 13 केमिकल शिफ्ट इज़ शोन बिलो। ये हमने यहाँ पर एक टेबल ली है और इसमें ये बताया है कि कौन सा ग्रुप किस जगह अपनी ये डेल्टा वैल्यू देता है। एल्केन ग्रुप्स अनसब्स्टिट्यूटेड बाय हीट्रो एटम्स एब्जॉर्ब डाउनफील्ड फ्रॉम टीएमएस टू अबाउट 60 पार्ट्स पर मिलियन। देर इज ए जनरल ट्रेंड इन द इंक्रीज इन केमिकल शिफ्ट इन गोइंग फ्रॉम 1 डिग्री टू 2 डिग्री टू 3 डिग्री टू 4 डिग्री कार्बन एटम। द शिफ्ट पर रिप्लेस हाइड्रोजन रेंजेस फ्रॉम 7 से 10 ppm. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द केमिकल शिफ्ट ऑफ द कार्बन 13 एटम्स फ्रॉम मीथेन टू आइसोब्यूटेन। ये हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ दी है डेल्टा की, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन की। द प्रेजेंस एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 and 3 बॉन्ड्स अवे फ्रॉम द कार्बन एटम्स हुज केमिकल शिफ्ट इज टू बी डिटरमिंड ऑल्सो अफेक्ट्स इट्स केमिकल शिफ्ट। द केमिकल शिफ्ट ऑफ ए कार्बन इन एन ए साइक्लिक एल्केन इज जनरली कैलकुलेटेड बाई मेकिंग यूज ऑफ द फॉर्मूला। अब एक ये फॉर्मूला दिया हुआ है और उस फॉर्मूले से हम ये केमिकल शिफ्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो केमिकल शिफ्ट इज इक्वल टू 1 + 7 N1 + 8 N2 -2 N3 ±4 ppm. यहाँ पे जो N1 N2 N3 हैं वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, 2 and 3 बॉन्ड्स अवे फ्रॉम द कार्बन एटम्स हुज शिफ्ट इज़ गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। इस फॉर्मूले से हम किसी के भी ये डेल्टा वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर अब एक एग्जांपल लेते हैं और वो है 2-methyl pentane का। उससे हम इसके डेल्टा वैल्यू कैलकुलेट कर दें तो कैलकुलेट और ऑब्जर्व वैल्यू दोनों को हम आपस में कंपेयर कर लेंगे और देखते हैं कि दोनों वैल्यू सिमिलर आती है या नहीं। यहाँ पर हमने दे रखी है एक कैलकुलेटेड वैल्यू है और दूसरी ऑब्जर्व वैल्यू। अब निकाल इस फॉर्मूले से अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसके लिए सबसे पहले इसमें हमने दे दिया CH3 जो है वो 1 carbon atom, फिर CH2 carbon atom, CH2 जो है वो 3rd carbon atom और ये जो CH2 है वो 4th carbon atom और ये CH3 जो है वो 5th carbon atom। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया 2-methyl pentane। 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है दोनों की। ये नीचे हमने कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू लिख ली। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट कार्बन एटम लें उसके लिए N1 क्या होगा, या N1 जो है वो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है तो वो उसके लिए N1 की वैल्यू हो गई 1। फिर इस 1 carbon atom के लिए N2 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2 और फिर N3 की वैल्यू हो गई इसके लिए 1। तो अगर हम इस फॉर्मूले में इस ये N1 N2 N3 की वैल्यूज़ रख दें तो वो हो गया 1 + 7 × 1 + 8 × 2 - 2 × 1। इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 22 और वहाँ हमने देखा
इसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो आती है 22.3। इसी तरीके से अगर हम C2 के लिए ले दूसरा जो कार्बन एटम है उसके लिए N1 हो जाएगा 3, क्योंकि जो ये CH है वो एक CH3 से जुड़ा हुआ है एक तरफ, दूसरी तरफ CH3 से जुड़ा हुआ है और एक तरफ वो CH2 से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए N1 हो गया जो 3, फिर N2 हो गया इसके लिए 1 और N3 हो गया इसके लिए 1। इसके लिए भी अगर हम वैल्यूज़ रखें तो 1 + 7 × 3 + 8 × 1 − 2 × 1 ये आ जाती है इसके लिए जो C2 है उसके लिए वैल्यू आती है डेल्टा की 28, और इसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू आई है वो है 27.6। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये कैलकुलेट और ऑब्जर्व वैल्यू दोनों लगभग एक जैसी आती है। तो इट इज़ एविडेंट that calculated and observed value are in good agreement। इस तरीके से इस फॉर्मूले से ये जो मेन फॉर्मूला है डेल्टा का, डेल्टा इज शिफ्ट इज इक्वल टू 1 + 7 N1 + 8 N2 − 2 N3 + −4 PM, इससे हम ये केमिकल शिफ्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो N1 N2 N3 निकाल के और इस पर हम वैल्यूज़ रख देते हैं। थैंक यू।